हाय दोस्तों, A4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं। तो फेसबुक ऐप मैं यहां पे ओपन कर लिया। दोस्तों, फेसबुक ओपन करने के बाद आपको यहां पे फेसबुक में तीन निशान दिख रहे होंगे। यहाँ पर तीन निशान के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद नीचे आ जाना है। दोस्तों, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है सेटिंग एंड प्राइवेसी, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको नीचे सेटिंग एंड प्राइवेसी के नीचे आपको मिलेगा सेटिंग, तो आपको यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद अकाउंट सेटिंग यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नाम आ जाएगा और यहाँ पर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। तो आपको सबसे नीचे लिखा हुआ है मैनेज अकाउंट, नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है मैनेज अकाउंट, तो आपको मैनेज अकाउंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं मैनेज अकाउंट ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे डीएक्टिवेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डीएक्टिवेट के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने इस तरह एक ऑप्शन, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है रीजन। तो आप यहाँ पर एक दिस इज टेम्प्रोरी इट इज बैक, यहाँ पर आपको कुछ भी आपको एक सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं ऊपर वाला एक सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको पेज को इस तरह नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा कंटिन्यू, तो यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर दोस्तों क्लिक कीजिए। तो चलिए हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने इस तरह आ जाएगा और यहाँ पे फिर से आपको नीचे आना है। अगर आप लॉग आउट होना चाहते हैं तो आप लॉग आउट 7 दिन से पहले हो सकते हैं अपने अकाउंट में। उसके बाद दोस्तों, नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू को बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको पेज ओपन हो जाएगा और इस तरह से आपको फिर से नीचे आ जाना है और लिखा हुआ है नीचे कंटिन्यू, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू के बटन के ऊपर यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप यह देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट सक्सेसफुल हो चुका है और इस तरह से आप अपने अकाउंट बना सकते हैं डीएक्टिवेट। तो दोस्तों, वीडियो कर दीजिए लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल का बटन जरूर दबाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट।